हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यार आप लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ कि आप सब मस्त होंगे। तो स्क्रीन में देख पा रहे हो गाइस, इस टाइप का पेज स्मूथ करना सिखाने वाला हूँ। जिस भाई को पेज स्मूथ करना नहीं आता है, तो इस वीडियो को आज आपको बिना स्क्रू के फुल ओज कर लेना होगा। तो बिल्कुल आप भी अपने पेज को इस तरह से स्मूथ करना सीख जाएंगे। तो यार वीडियो शुरू करने से वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके और जो पास में बेल आइकन को भी ऑन में कर देना, ताकि यार आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इस वीडियो को सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। तो कर लेते यार वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, जिस फोटो का आपको पेज स्मूथ करना होगा ना, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। सो गाइस, तो यहाँ पर हमने फोटो को सिलेक्ट कर लिया। देख सकते हो इसका पेज कितना बेकार सा लग रहा है और कितना ऑयल पेंट पेज में हो रहा है। तो हम सबको क्लियर कर देंगे अभी, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर नीचे सेंड वाला आइकन में क्लिक कर देना होगा। सेंड वाला आइकन में क्लिक करने के बाद फोटो को आपको सेंड कर देना होगा स्केचबुक ऑटोडेस्क एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। इस एप्लीकेशन के अंदर अपने फोटो को आपको शेयर कर लेना होगा। सो गाइस, तो यहाँ पर देख ही पा रहे हो हमारा फोटो आ चुका है स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर। इसके अंदर आ जाने के बाद हम यहाँ पर देख ही पा रहे हो, ठीक है, इस पेज को कर लेंगे स्मूथ। तो स्मूथ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहाँ चले जाना होगा ऊपर की तरफ, ठीक है। ऊपर की तरफ जाने के बाद आपको लाइब्रेरी में क्लिक कर देना होगा। और अभी लाइब्रेरी, जैसे आप लाइब्रेरी में क्लिक करोगे ना, आपके सामने बहुत सारे वर्ष आ जाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्रॉल करके पहले तो आपको ऊपर ऊपर आ जाना होगा। ऊपर आ जाने के बाद आप ऊपर स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आओगे ना, आप तो तीसरे नंबर में आपको कुछ ही टाइप ऑफ ब्रश देखने मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पर रुक जाना होगा, सबसे नया तरीका बताने वाला हूँ दोस्तों आपके लिए, ठीक है। तो इनमें से आपको फर्स्ट वाला ब्रश सेलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। फर्स्ट वाला ब्रश सेलेक्ट कर लेना होगा। ब्रश सेलेक्ट हो जाने के बाद आपको ऊपर सेटिंग में क्लिक कर देना होगा, ठीक है। सेटिंग में क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से तीन लाइन आएगी। तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देख पा रहे हो यहाँ पर कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट हो सकता है आपके, तो यहाँ पर इसमें क्लिक कर देना होगा और यहाँ पर स्मूथ, ठीक है, ये सेलेक्ट कर लेना होगा मेरे भाइयों, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप सेलेक्ट करोगे ना, तो आपके सामने तीन लाइन आ जाएगी। तो बीच वाली लाइन को आपको एक रख लेना होगा और इसके नीचे वाली लाइन को भी एक रख लेना होगा। और कम ज़्यादा करना है ना आपको, तो ऊपर वाली को करना है, ठीक है। यहाँ से कट कर लेना और इसकी स्क्रीन शॉट भी ले लेना, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। कट करने के बाद जूम कर लेना होगा अपने पेज को, और अपने पेज के ऊपर ब्रश को कुछ प्रकार से आपको अप्लाई कर लेना होगा। तो यहाँ पर देख ही पा रहे हो रिजल्ट काफ़ी अच्छा आना स्टार्ट हो गया। तो आपको इस टाइप से पूरे पेज को जूम कर लेना होगा और इस टाइप से आपको स्मूथ कर लेना होगा। तो मेरे भाई मैं बिल्कुल रियल तरीका बताता हूँ। और आप यार क्या करते हो, वीडियो को फुल ओच नहीं करते हो? अगर आप वीडियो को फुल ओच नहीं करोगे ना मेरे भाइयों, तो आप कैसे एडिटिंग करना सीखोगे और कैसे अपने पेज को स्मूथ एंड गोरा करना सीखोगे? तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरे भाइयों, इस वीडियो को बिना स्पी के फुल ओच कर लेना, ताकि यार आप भी अपने पेज को इस तरह से स्मूथ एंड गोरा करना सीख जाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रश को थोड़ा गोल गोल घुमा लेना, ताकि यार जो भी ब्लैक ब्लैक सा दाग है ना, वो सब इसमें मिक्स हो जाए, ठीक है। तो इस टाइप से जूम कर लेना होगा और पेज को स्मूथ कर लेना होगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट कर लेता हूँ, ताकि वीडियो लंबा नहीं हो जाए, बट आपको इस तरह से स्मूथ कर लेना होगा, ठीक है मेरे भाइयों। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए पेज स्मूथ करने में, तो कॉमेंट में जरूर बताना, मैं अगला वीडियो उसमें भी बना दूंगा, ठीक है। सो गाइस, तो स्क्रीन में देख पा रहे हो जैसे पेज को स्मूथ किया, तो यहाँ पर पेज कितना प्यारा, कितना होसम लग रहा है। तो बिल्कुल आपको भी ऐसा पेज स्मूथ करना आ गया होगा। तो यार फोटो को कैसे डाउनलोड करना होगा, वो चीज़ भी आप देख लो। थ्री डॉट में क्लिक कर लेना होगा और यहाँ से शेयर वाला आइकन में क्लिक कर देना, और यहाँ से शेयर टू डिवाइस में क्लिक करके, और यहाँ पर सेव वाला आइकन आएगा, तो इस फोटो को लेना गैलरी में सेव। आई होप कि गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके और जो पास में नोटिफिकेशन उसको भी ऑल में सेलेक्ट करके जाना, ताकि यार आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं किसी कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।